तो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो एक नया व्लॉग एक नए दिन के साथ उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों से तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ बुरांस के पेड़ के नीचे से। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा मैं अभी जंगल को जा रहा हूँ, तो एक कट्टा ले जा रहा हूँ मैं। कुछ सूंद के ठीठे वगैरह मिल जाएंगे तो वो ले आऊँगा वापसी में। आज निक्कू की बारी है ग्वाला जाने की, तो अभी वो गया है ग्वाला तो मैं भी जा रहा हूँ उसके साथ उसका दौड़ करने। तो मैं पहुँच चुका हूँ, निक्कू और भानु बैठे हैं यहाँ। तो अब ज़रा ज़रा सस्ता लेते हैं फिर ठीक ढूंढेंगे हम चीड़ के। एक तो कल रात बारिश भी हुई है तो आज ज़रा मिलना भी मुश्किल ही है, बंद हो गए होंगे। बंद हो गए मतलब चिमड़ी जाते हैं स्ट्रीट बारिश से। अभी दिखाता हूँ मैं चिमड़ी रही थी। तो अब मैं ज़रा ठीठ ढूंढ के लाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको ठीठ। अब जंगल आए हैं तो कुछ ना कुछ खाली हाथ क्या जाए घर को, कुछ सामान रख ले जाते हैं ठीठ वगैरह आग जलाने के। अरे भयंकर फिर रड़ गया था मैं। देखो ये बकरी आ गई। तो जरा ठीक चाहता हूँ फिर अब। हाँ ये देखो कुछ ठीठे ऐसे हो गए, मैंने कहा था ना बारिश की वजह से ऐसे हो जाते हैं ठीठे, चिमुड़ी जाते हैं चिमुड़ी। ये देखो और निक्को वहाँ से सेल्फी खींच रहा हूँ धार में से। काफ़ी टाइम हो गया मैं ढूंढते ढूंढते, मेरे को ठीठी नहीं मिल पा रहे हैं। ठीठी नहीं हो रहे वहीं देखो ऐसे ठीठ हो रहे हो ठीक है। तो ये गाय को देखो ये मेरे पीछे पीछे आ रही है जी। देखो तो मेरे को सूंद के ठीठे तो मिले ही नहीं आज, क्योंकि अब सूंद के ठीठे का सीजन भी चले गया। तो अभी समय भी 1 बज गया है, तो थोड़ी देर में गाय बैल का घर का जाने का भी टाइम हो जाता है। चलो ऐसी जाना पड़ा निकू ला गया आगे इनको। देखो हमको अभी सूंद के ठीठे बहुत ही ज़्यादा मिल पड़े तो मैंने दोबारा से कट्टा भर दिया है। कम से कम अब कट्टा भरने ही वाला हो रहा है, थोड़ा और चाहिए। ये देखो मैं दिखाता हूँ, देखो पूरा कट्टा भर लिया है मैंने, बड़ा कट्टा भर लिया है। तो अब ज़रा और ढूंढता हूँ ज़रा, फिर मेरा कट्टा भर जाता है फिर ले चलते हैं घर को। और गाय बैल भी जाने लग गए हैं घर को। तो मैंने एक कट्टा एक बटिया लिए हैं, एक कट्टा बना लिया है मैंने सीमत के ठीठों से। तो अब इसको ले जाता हूँ। मेरा कट्टा फुल हो गया है, अब मैं जरा इसको बांध लेता हूँ। तो गाय बैल जाने लग गए हैं, अभी से निक्कू और भानु भी जा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ बुरांस के पेड़ों में बुरांस के फूल आए हैं, और सामने को और वहाँ सामने हमारा गांव दिख रहा है। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल आए मैंने पहुँचा दिए हैं घर में। तो आखिरकार मैं घर पहुँच ही गया, तो सूंद के ठीठे पहुँचा दिए हैं, गाय बैल भी आ गए हैं। तो अब ज़रा हाथ मुँह धो लेता हूँ फिर चाय पीऊँगा ज़रा। तो अब ज़रा चाय पी लेता हूँ। तो मैंने चाय पी ली है, अभी छत में बैठा हूँ मैं, धूप सेक रहा हूँ।
देखो मेरे, अरे देखो हमारे कद्दू के पेड़ इतने ही हो गए अभी। और जो मैंने आपको परसों गुलाब दिखाया था पीला वाला, तो आज उसमें बढ़िया पूरी तरीके से फूल खिल चुका है, उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको भी। ये देखो इसमें बढ़िया से फूल आ गया है, तो आज मैंने इनकी गुड़ाई भी कर रखी है। तो अभी आया था फेरी वाला, तो जरा परात वरात लेके आया था, तांबे की परात वगैरह और तांबे की बोतल वगैरह लाया था, तांबे के बर्तन लाया था। तो उसमें से हमने दो परातें रखी, देखो ये है वो परातें, मैं दिखाता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं यह तांबे की परात, एक छोटी वाली है और एक बड़ी वाली परात है। तो हमने दो परातें रख ली। तो अब मैं जरा ठीठू के कट्टे को खाली कर लेता हूँ। चलो मैं खाली करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कितने ठीठे हुए हमारे, देखो। तो ये आग जलाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं, लेकिन धुआं बहुत होता है इनसे, लेकिन आग जलाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं। तो अभी शाम के 4:30 भी हो गए हैं, तो अंधेरा होने के कगार में है अभी। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, मतलब आजकल अंधेरा देर में ही होता है। अब धीरे धीरे गर्मियों के दिन भी आ गए हैं, तो अंधेरा अब धीरे धीरे देर में होने लग जाता है। तो अब मेरे को ज़रा भूख जैसी लग गई थी, तो अब मैं ज़रा मैगी बना रहा हूँ। तो मैंने प्याज और टमाटर काट लिए हैं इसमें, तो मैगी बनाते हैं। तो पैन में बनाता हूँ बढ़िया। तो मेरी मैगी तैयार हो चुकी है, ये देखो। अब जरा मैगी खाता हूँ मैं बढ़िया टीवी देखते हुए। टीवी खोल लेते हैं। तो आप भी खाइए अपने घर में मैगी, तो मैं भी खाता हूँ टीवी देखते देखते। तो मैंने मैगी खा ली है, तो अभी शाम भी हो चली है। अब शाम के 5 बज गए हैं, तो मैंने मैगी खा के बर्तन वर्तन साफ कर दिए हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।